अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। हमारे पास एक कैनन G10 प्रिंटर का मॉडल है। आज हम आपको बताएंगे कि इस प्रिंटर को जो है ना बग़ैर कंप्यूटर आप प्रिंटर से जो है ना हीट क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं और नूजल चिक प्रिंट जो है ना वो किस तरह दे सकते हैं। सबसे पहले आपने कैंसिल और रिज्यूम बटन को जो है ना प्रेस करना है। जब प्रिंटर रेड लाइट एक बार ब्लिंकिंग करता है तो आपने जो है ना बटन को छोड़ना है। प्रिंटर आप हेड क्लीनिंग मोड में चला गया है। आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट जो है ना ब्लिंकिंग कर रही है, यानी मतलब हेड क्लीनिंग प्रोसेस जो है ना वो शुरू हो चुका है। आपने कुछ मिनट जो है ना इंतज़ार करना है ताकि हेड क्लीनिंग प्रोसेस जो है ना वो मुकम्मल हो जाए। दोस्तों, आपने प्रिंटर को जो है ना हेड क्लीनिंग मोड में ले जाने के लिए आपने सबसे पहले जो है ना कैंसिल और रिज्यूम बटन को जो है ना प्रेस करना है। जब प्रेस करने के दौरान जो है ना एक बार जो है ना रेड लाइट ब्लिंकिंग करता है, इसी वक्त जो है ना आपने बटन को छोड़ना है। फिर जो है ना प्रिंटर जो है ना हीट क्लीनिंग प्रोसेस जो है ना वो शुरू कर देता है। फिर आपने जो है ना कुछ मिनट जो है ना इंतज़ार करना है ताकि हीट क्लीनिंग प्रोसेस जो है ना वो मुकम्मल हो जाए। तो दोस्तों, हीट क्लीनिंग प्रोसेस जो है ना वो मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि नूजल चिक प्रिंट किस तरह देते हैं। तो आपने कैंसिल और रिज्यूम बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के दौरान जब प्रिंटर दो दफ़ा रेड लाइट ब्लिंकिंग करता है तो फिर आपने बटन को छोड़ना है। फिर जो है ना प्रिंटर नूजल चिक प्रिंट करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रहा जो है ना प्रिंटर का नूजल चिक प्रिंट।